हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लाई हूँ बकलावा पेस्ट्री। इसकी जो शीट्स है तो वो पैटीज जैसी काफ़ी लेयर में और फिलिंग के साथ, पर है ये एक मिठाई जैसा स्वीट डिश। बहुत दिनों से फ़ोटोज, सबकी फ़ोटोज़ देख देख के मेरा बहुत मन करता था कि इसको मैं भी बनाऊं, मैं भी कभी इसको खा के देखूं कि आखिर ये लगता कैसे है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी लेयर्स और फिलिंग्स। हालांकि जब ये पिस्ता से बनता है तो ये पूरा ग्रीन कलर में दिखती है इसकी फिलिंग। यहाँ मैंने काजू बादाम के साथ बनाया, तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो फिलिंग वाला है वो लाइट है। तो अगर आप चाहें तो पूरे पिस्ता से बनाएं, और चाहें तो आप इस तरीके से नट्स के साथ, जो मिक्स नट्स हैं उनके साथ मिक्स करके बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्रंच सुनने में कैसा है। खाने में ऊपर की जो लेयर इसकी बहुत ही क्रंची है, और अंदर से हल्का हल्का सॉफ्ट है ये फिलिंग के साथ, हल्का मीठा। और जो इसकी जो मैंने लेयर्स बनाई थी वो प्लेन थी, नमकीन वाली, तो उसकी वजह से इसका जो मीठा और नॉर्मल वाला जो टेस्ट है वो बहुत ही बैलेंस हो गया है। बहुत ही टेस्टी है डिश है ये। इसको देखते हैं कैसे बनाना है, और आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिलो शीट्स बनाने से। ये मैं रेडीमेड नहीं लेके आई हूँ, हम स्क्रैच से घर में बनाएंगे। स्क्रैच मतलब घर में मैदा, तेल, जो भी आइटम लगेगा। तो यहाँ मुझे 2 कप लेने हैं। मैं जो कप यूज़ कर रही हूँ वो है 240 ml का कप। तो यहाँ मैंने डाला 1 कप, और 1 कप मैदा और डालेंगे। तो यहाँ मैंने 240 ml का लिया है 2 कप मैदा, और जिसका टोटल ग्राम हुआ है 250 ग्राम। इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon नमक। नमक के बाद इसमें हमारा जाएगा 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 cup घी। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये बकलावा का जो टेस्ट है, मीठा जो होता है, मीठा कोई भी आइटम, वो घी के साथ थोड़ा उसका टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। इसको हम हाथ से पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से घी हमारा मिक्स हो जाए मैदे में, तो यहाँ पे हम आटा जो गूंदेंगे वो मैं लेने वाली हूँ 1/2 दूध और 1/2 पानी। तो यहाँ मैंने 1/4 cup लिया है फ्रिज का ठंडा दूध, और आटा हमें सॉफ्ट गूंदना है। और इसमें अब ऐड करूँगी मैं फ्रिज का ठंडा पानी। यहाँ पे मेरा 1/2 cup टोटल लग चुका है, पर इसमें अभी हमें थोड़ा सा पानी और लगेगा। आप चाहें तो बचा हुआ जो आटा है उसको आप दूध से भी गूंद सकते हैं और पानी से भी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड करने वाली हूँ। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो ये देखिए, इस तरीके से जब हमारा आटा आपस में ये मिक्स हो जाता है, तो इसको अब हमें एक प्लेट में निकालना है, और इसको मसल मसल के थोड़ा स्मूथ कर लेना है। एक प्लेट ले लें, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, और उस पर हमने जो ये आटा गूंदा है इसको आपको मसल मसल के अच्छा स्मूथ कर लेना है। 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा आपका इसमें। ऐसे करते करते अगर बीच में आपको लगता है कि आपका आटा फिर से अगर प्लेट में चिपक रहा है, तो हल्का सा ऑयल प्लेट में ही लगा ले,
पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी एकदम सफिशिएंट गया था, आटा अच्छे से गूंदा था, तो ये हमारा प्लेट में नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पे मेरे को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखेंगे कि आटा हमारा पहले के कंपैरिजन थोड़ा स्मूथ हो चुका है। इसको मैं वापस जिस बाउल में हमने आटा गूंदा था उसमें 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, जब तक ये आटा हमारा सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम तब तक बकलावा के फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है पिस्ताशियो। ऐसे तो ये पूरी रेसिपी पिस्ता से ही बनती है, पर कई बार पिस्ता हुआ आपके पास ज़्यादा तो आप पूरी रेसिपी पिस्ता से भी बना सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ पे पिस्ता, काजू और बादाम इन 3 ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके बनाने वाली हूँ। और इसका अब हमें बनाना है पीस के पाउडर, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा। तो आप इसको पल्स में पीसें, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में इसको 1 या 2 पे स्पीड पे चला के इसको एकदम बारीक पीस लें। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमको इसको दरदरा पीस लेना है। यहाँ पे आप मोटे पीसेस भी देख रहे हैं और पाउडर भी। ये हमारी स्टफिंग जो फिलिंग रहेगी हमारी बकलावा की वो रेडी हो गई है। यहाँ पे हमें लेनी है एक प्लेट और इस प्लेट में हम बराबर क्वांटिटी में 1:1 के रेशियो पे लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर। इसको हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी हेल्प से हमें आटे को अच्छा, जितना हम इसकी लोई पतली से पतली बेल सकेंगे उतना पतला हमें बेलना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आटा भी सेट हो चुका है। सबसे पहले तो इस बोर्ड पे मैदे और इसको कॉर्नफ्लावर को डस्ट करेंगे। अगर आपके किचन का प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा सेट हो गया। इसको मैं बराबर लोई में कट करने के लिए, सॉरी जो मतलब आटा है इसको हमें बराबर बराबर मात्रा में लेना है ताकि हमारी रोटी छोटी बड़ी ना हो, इसलिए इसको बराबर साइज़ में हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको 2 पार्ट में कर लिया है और ये वाली जो लोई है इसको भी हम 4। तो यहाँ पे मैंने ये 7 बराबर पार्ट में ये लोई को बांट लिया है। इसको अब हम बेलेंगे जितना पतला हम बेल सकेंगे। सबसे पहले हम सारी लोइयाँ बेल के तैयार कर लेंगे। इसको बेलते टाइम आप अच्छे से आटा लगा लगा के एकदम इसको बेलें ताकि आपको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और इसको आप इस तरीके से उलट पुलट भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस आटे को वैसे ही बहुत पतला बेला है। इसको अब हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे और बाकी सारी लोइयां भी इसी तरीके से बेल के तैयार कर लेंगे। घुमा घुमा के इसको हर तरफ से आप पतला कर लें। तो यहाँ पे हमारी सारी जो लोइयाँ हैं वो बिल चुकी हैं। तो यहाँ मैं लूँगी एक रोटी हमारी बेली हुई। मैं इस पे इस तरीके से घी लगा रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो बटर भी मेल्ट करके लगा सकते हैं और रिफाइन ऑयल भी लगा सकते हैं, या फिर आप बटर और रिफाइन ऑयल दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हर तरफ से देख लें कि घी अच्छे से लग चुका है।
इसको लगाने के बाद इस पे हमारा जो मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर था उसको हम इस तरीके से डस्ट करेंगे, हर तरफ अच्छे से छिड़क दे, कमी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा आटा आपस में चिपके नहीं। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लोई रखेंगे और सेम वही प्रोसेस, सारी लेयर हमें पहले इसी तरीके से करके तैयार करनी है। घी से आप इसको ग्रीस कर दें और उसके बाद इस पे मैदा कॉर्नफ्लावर वाला डस्ट करें। तो ये देखिए मेरी जो 8 लेयर थी वो मैं 8 लेयर तैयार कर चुकी हूँ और जो सबसे ऊपर की लेयर है उस पे हमें घी से ग्रीस नहीं करना है, उस पे हम इस तरीके से अपना मैदा डस्ट करेंगे और इन सारी परतों को इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरफ भी मैदा छिड़क के हमें इसको और अभी पतला फैलाना है, ज़्यादा इस पे प्रेशर ना दें और कोशिश करें कि इसको रेक्टेंगल शेप में बेलें ताकि हमारा जो आटा है वो जब हम इसको कट करेंगे तो कम वेस्ट हो। और बीच बीच में इसको आप चेक करते रहें कि आपकी जो लेयर है वो अलग हो रही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लेयर आपस में चिपक रही है तो आपको इसमें बेलने के बाद धीरे धीरे मैदा छिड़कना पड़ेगा। तो ये देखिए लेयर यहाँ पे अच्छे से निकल जा रही है, इसको अच्छे से आप मैदे से डस्ट कर लें और सारी लेयर इसी तरीके से चेक कर लें। मैं इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ अपने इस 11x9 इंच के टिन में, तो इसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो बकलावा है वो इसमें नीचे चिपके ना। इस डिश को बनाते वक्त आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इसमें कितना घी लग रहा है या कितना नहीं, उसके बाद वो जो बनने वाला टेस्ट है आप बस उसका इंतज़ार करें। तो यहाँ पे हमारा टिन जो है उसको हम ग्रीस कर चुके हैं, अपनी एक एक लेयर उठा के इसको हम टिन पे इस तरीके से फैला लेंगे। मैंने इसको बिल्कुल कट नहीं किया है ताकि हमारा कोई भी जो आटा है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप एक एक लेयर डालें और इस पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से घी से ग्रीस कर ले। इस पे हम छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा, उसके बाद इस पे हम डालेंगे हमारी सेकंड लेयर। आप देख सकते हैं कितना पतला आटा बिला है कि नीचे का जो हमने मैदा छिड़का है वो भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको भी हम इस तरीके से घी लगा लेंगे। यहाँ पे 8 लेयर है मेरे पास, तो मैं 2-2 लेयर के बाद हमने जो पाउडर बनाया था हमारे नट्स का उसको छिड़कूंगी। अच्छे से आप डालें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद इसके ऊपर मैं हमारी 3rd लेयर डाल रही हूँ।
इस तरीके से हम हमारी सारी लेयर को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सेम यही मेथड है, आपको इसको हल्का सा घी से ग्रीस करना है, इसके ऊपर इस तरीके से मैदा छिड़कना है, और फिर हमारी फोर्थ लेयर डालेंगे हम इस पे। ये लेयर बहुत पतली मिलती है, तो अगर कहीं से इसको उठाते टाइम थोड़ा बहुत अगर फट जाता है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो सारा बीच में ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 लेयर के साथ हमारी 3 बार फिलिंग तैयार कर ली है, और उसके बाद अब ये ऊपर हमारी सबसे ऊपर जाएगी लास्ट लेयर 8th। आप चाहें तो इसकी लेयर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप चाहें मतलब थोड़ा सा और लेयर भी बना सकते हैं। अगर आप छोटा टिन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी लेयर ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की जो लेयर है इसके ऊपर हमें कोई भी फिलिंग नहीं डालनी है, इसको हमें प्लेन छोड़ना है। इसको अब हम कट करेंगे। बेक होने के बाद इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको हम इसी टाइम पे नीचे तक की लेयर साइड की जो है इसको मैं चाकू से कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ तक जा नहीं पा रहा है हमारा पिज़्ज़ा कटर। और आप जितना बड़ा या फिर जिस शेप में, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर डायमंड शेप, इसको हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। जब आप ये लेयर रेडी करें टिन के अंदर, उस टाइम पे 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दें। और ये देखिए यहाँ पे हमारी लेयर्स कट चुकी हैं, इसके ऊपर अब हमें अच्छे से इसको घी से ग्रीस करना है। जितने अच्छे से इसके ऊपर घी लगेगा उसकी लेयर उतनी अच्छी कुरकुरी और खस्ता वाली बेक होगी। पैंतीस से 40 मिनट इसको हम अच्छे से बेक करेंगे, और बाकी हमें ये टाइम भी देखना है कि इसके ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से गोल्डन हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बकलावा है वो बेक हो चुका है। तो यहाँ मैं इसको ग्रीस कर चुकी हूँ, ओवन मेरा प्रीहीट हो चुका है 180 डिग्री पे। इसको अब 35 to 40 मिनट के लिए मैं रखूँगी बेक होने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। अब यहाँ पे चाशनी हम तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। इसको हम अच्छे से पिघला लेंगे, और ये चाशनी जब पिघल के उबल जाएगी, उबलने के थोड़ी देर हम इसको और उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो कम हो जाए और हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। चाशनी का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 2 छोटी वाली हरी इलायची कूट के डाली है, और साथ ही दालचीनी का टुकड़ा। तो ये देखिए हमारी चाशनी यहाँ पे उबल चुकी है, और इसको अब हम 2 से 3 मिनट थोड़ा सा और उबालेंगे।
ताकि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अभी एकदम पानी पानी जैसी है। यहाँ पे हमारी चाशनी उबल चुकी है 2 से 3 मिनट, और ये ठंडी जब होगी तो ये हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। यहाँ मैं इंडक्शन कर रही हूँ बंद, और इलायची और दालचीनी की वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसको अब हम होने देते हैं थोड़ा सा वॉर्म, तब तक हमारा बकलावा भी बेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए 45 मिनट्स लिए है मेरे ओवन में, क्योंकि मेरे ओवन का साइज़ बड़ा था। अगर आपके ओवन का साइज़ मीडियम है या स्मॉल है तो आपके बकलावा 40 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो ये अभी गरम गरम है, इसको मैं करने वाली हूँ उस पर घी। और देखिए इतनी खस्ता इसकी लेयर बनी है और बहुत ही अच्छी, इससे इस पर थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी और टेस्ट इसका और अच्छा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हर एक बकलावा के जो पीस है उसको आप थोड़ा सा घी से इस तरीके से ग्रीस कर ले, और ये मैंने ओवन से एकदम अभी अभी निकाला है, इसलिए इसको 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा जो चाशनी बनाई है हमने। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया है। पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, तो हमें इसको पूरी तरीके से ठंडा करना भी नहीं है, हल्का वॉर्म चाहिए। और ये जो हमारी चाशनी है ये हमारी नॉर्मल हो चुकी है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको इस तरीके से हम डालेंगे बकलावा के ऊपर। इस पूरी चाशनी से हमको इसको नहीं डिप करना है, वरना ज़्यादा चाशनी हो जाएगी तो केक थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट और सीला सीला सा उसका जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको चाशनी सिर्फ इतनी डालनी है कि हमारे केक जो बकलावा पेस्ट्री है इसके ऊपर उसकी हल्की सी लेयर आ जाए, और जो नीचे नीचे साइड में जाएगा उसको थोड़ा सा बकलावा सॉफ्ट कर ले और टेस्ट आ जाए मीठा वाला। जब मैंने इसको ओवन से निकाला था तो इसका कलर इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ था, हल्का सा लाइट था। और आप इसको ओवन में ज़्यादा एकदम कलर आने तक का वेट ना करें, 40 मिनट सफिशियंट था बेक होने के लिए। जब ये बेक होके बाहर निकला है तो इसका कलर ब्राउन हो चुका है। कैमरे में हो सकता है क्वालिटी की वजह से आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे बकलावा बनके रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी है। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतना ईजी होता है बकलावा बनाना, क्योंकि जब मैं फ़ोटोज़ देखती थी मेरा मन बहुत करता था खाने का। तो जब आज मैं इसे अपने लिए ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।